हेलो एंड वेलकम बैक व्यूअर्स। पिछले वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था कि अगर आपको एक्ने पिंपल है तो आप क्या करें, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो लिंक पर प्रेस करके वो वीडियो देख सकते हैं। वेल, आज हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपने कोई ऐसी क्रीम यूज की है जो एंटी एजिंग है या झुर्रियों को खत्म करने की है या फिर कलर फेयर करने की है और उसकी वजह से आपकी स्किन लाल हो गई है, सेंसिटिव हो गई है, जलन महसूस होती है, तो ऐसे में आप क्या ऐसा नेचुरल लगाएं जिससे ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए। इसके लिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आप नेचुरल चीजों पर थोड़ा सा ध्यान रखें कि अगर आप उनको यूज करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी खत्म होगी और आगे दोबारा होगी भी नहीं। इसके लिए जो है एक ऑप्शन आपके पास वो है अर्गन ऑयल, जिसे कि ताड़ का तेल भी कहते हैं, और ये अगर इस तरीके की रेडनेस है जो मैंने अभी आपसे बताया तो उसके सॉल्यूशन के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, बिकॉज ये उस रेडनेस को, उस सेंसिटिविटी को अच्छे से हील करेगा और आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छा आराम मिलेगा। दूसरा जो सबसे बड़ा इसमें फ़ायदा हमें दिखता है वो ये है कि ये नेचुरल ऑयल है जिसका कोई साइड इफेक्ट या किसी भी तरीके की कोई समस्या आपको नहीं होगी, जो पहले दूसरी क्रीमों लगाने से हो चुकी है, तो वो समस्या को खत्म करने के लिए दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। और ये भी आपको Amazon और Flipkart पे आराम से मिल जाएगा। ब्रांड आपको अपने आप चूज करना है अपने हिसाब से, तो आप इसको देख के चूज कर सकते हैं। इसमें छोटा पैक सबसे पहले खरीदें जो कि आपके लिए अफोर्डेबल हो और उसको फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिए, इसको आप थोड़ा सा हाथ में लेंगे और फिर पूरे फेस पे पहले उंगली से अप्लाई करेंगे और उसके बाद फिर उसको हल्के हल्के हाथ से मसाज करेंगे। फेस वॉश के लिए आप कोई भी अच्छा मेडिकेटेड सोप ही यूज करेंगे, नॉर्मल जिससे हम लोग आमतौर पर नहाते हैं वो सोप नहीं यूज करेंगे, मेडिकेटेड सोप ही यूज करें। इन ऑयल को खरीदते समय ध्यान रखें कि ये कोल्ड प्रेस्ड होना चाहिए, बिकॉज ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें जब ऑयल निकाला जाता है तो उस ऑयल में जो भी चीज का ऑयल निकला उसके जो कंटेंट होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो इक्वल या नॉर्मल रहते हैं जैसे कि उसमें होना चाहिए। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप इस ऑयल को खरीदें तो ये कोल्ड प्रेस ही होना चाहिए, जिससे कि आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या भी ना हो और साथ ही साथ इसका पूरा फायदा मिले। तो ये ऑयल बहुत अच्छे होते हैं, जल्दी से स्किन में एब्जॉर्ब होकर स्किन को अच्छे से हील करते हैं और उसमें जो कमियां आई हैं उनको दूर करके स्किन को रेडिएंट, बहुत अच्छा, चमकदार और अच्छा बनाते हैं। तो ये ऑप्शन आप यूज करिए, आई होप सो बहुत जल्दी आपको फायदा होगा और इससे किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं, बिकॉज ये नेचुरल सोर्स है अपनी स्किन को सही करने का। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।